आपको पता है देवताओं को दो चीजें दुर्लभ हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं देवताओं को दो चीज दुर्लभ हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली चीज क्या बताई जो हम मनुष्यों को मिली है लेकिन देवताओं को नहीं मिली? तक्रम सकृश्च दुर्लभ। तक्रम कहते हैं छाछ को। छाछ पीते हैं आप लोग? दही को मथने के बाद में छाछ बनती है, पीते हो आप लोग? वो छाछ देवताओं को पीने को नहीं मिलती, केवल इंसान को मिलती है। इसलिए खूब छाछ पीनी चाहिए। देवताओं को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्वर्ग का एक नियम है, वहां पर कोई भी वस्तु कभी बासी नहीं होती, और जब तक दूध बासा नहीं होगा दही नहीं बनेगा, और जब तक दही नहीं बनेगा तब तक छाछ नहीं बनेगी। स्वर्ग में हम लोग भी जब जाते हैं तो युवान बने रहते हैं, वहां कोई बुढ़ा नहीं होता, कभी कोई चीज बासी नहीं होती वहां पर। तो पहली चीज देवताओं को छाछ नहीं मिलती, और दूसरी चीज देवताओं को श्रीमद भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। पहली वस्तु का नाम है छाछ, और दूसरी वस्तु का नाम है जो आप सुन रहे हो, श्रीमद भागवत की कथा। अब यहां चाह करके भी कोई देवता नहीं आ सकता। सूर्य आ जाएगा तो व्यास जी जल करके भस्म हो जाएंगे, सूर्य भी नहीं आ सकता। चंद्रमा आ जाएगा तो हम सब बर्फ बन जाएंगे, वो भी नहीं आ सकते। ब्रह्मा जी आ जाएंगे तो चार मुख वाले को देख करके हम सब बेहोश हो जाएंगे, वो भी नहीं आ सकते। शंकर जी भी नहीं आएंगे, नहीं तो शंकर जी के जो गले के सब सांप मुंड आदि ये सब, उनको देख करके हम डर जाएंगे। इंद्र भी नहीं आ सकता, इंद्र के स्वर्ण के मुकुट की तेज को हम देख ही नहीं पाएंगे। कोई भी देवता, वरुण देवता आ गए तो हम सब बह जाएंगे। कोई भी देवता यहां नहीं आ सकता। उनको भगवान ने पहले ही वचन दे दिया, बोले कि तुम लोग तो ऊपर बैठे बैठे अपना काम करो, कथा बता दो, मनुष्यों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसी लिए जब कभी कथा होती है, ये मत सोचना मैं कह रहा हूं, भागवत जी में वर्णन है पंचम स्कंद में, जब कभी भी कोई व्यक्ति भागवत की कथा सुनता है और खूब भजन करता है, खूब कीर्तन करता है, तो देवताओं को उससे ईर्ष्या होती है कि ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो कभी कभी देवता उसकी ईर्ष्या की परीक्षा लेते हैं, कभी कभी उसके सुंदर सुंदर भजन में, कीर्तन में कभी कभी विघ्न देते रहते हैं ताकि ये बंद करे।